हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संविधान के टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, कॉम मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान नियमों और कानूनों का एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है। मीन्स ये एक किताब है जिसके द्वारा भारत में हमारे क्या होता है, सिस्टमैटिकली सारे वर्क किए जाते हैं, हर काम डिसिप्लिन में होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉर्मल सिविलियन हो, ये सब पर अप्लाई करता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी डेली लाइफ में हमें हर चीज़ को तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में हम रेगुलेट करते हैं कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, देन आफ्टर हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, ऑफिस जाना है, फिर क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं उनको हम किस किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी हमें ये सब देखना होता है। तो हर चीज़ को किसी भी, अगर हम डेली लाइफ में देखें या फिर हमारी फॉर्मल लाइफ में देखें, तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। क्योंकि अगर हम किसी काम को सिस्टमैटिकली करते हैं तो वो बहुत इफ़िशेंट तरीके से वर्क करता है। इसी चीज़ को सही करने के लिए ही संविधान बनाया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ कानून और नियमों का ये क्या है, एक फॉर्मेट है। ठीक है, जिसके द्वारा सरकार भी काम करती है, नॉर्मल सिविलियंस भी काम करते हैं। अगर हम बात करें कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों है इसकी हमें आवश्यकता, तो देखिए कि हम सभी जानते हैं जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, ठीक है, उनके अंडर थे हम जब लोग, तो हमारा खुद का कोई नियम नहीं था, उन्हीं के द्वारा चलाए गए सारे नियमों पे हम काम करते थे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी हमारे देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, जो भी बिगड़ा हुआ सारा सिस्टम है, इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ नियमों को, कुछ कायदों का पालन करना होगा और करवाना भी होगा, तभी सब चीज़ों क्या होंगी, सिस्टमेटिक वे में आ पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए संविधान एक रीज़न ये भी रहा कि संविधान को बनाने का। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे कि संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और उसको बनाया गया। अभी कब बना, कैसे बना, इसमें सदस्य कौन कौन थे, अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल कब किया, 1934 में किया था। क्या किया था, 1934 में। ठीक है, देखिए जब संविधान को बनाने की जो बात हुई थी वो हमारे भारत के आज़ाद होने से पहले ही मतलब कि कर दी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। हिंदुस्तान का संविधान अलग है, पाकिस्तान का संविधान अलग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि दोनों देश अलग अलग हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने की पहली सभा बिठाई गई, जो कि 1934 को ही। ठीक है, इसकी पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था, जिसमें बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था, अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ करके बहुत गहराई से, उनकी जो भी चीज़ें हमारे देश को सही बनाने के लिए उपयुक्त थी उन सभी सिद्धांतों को उसमें शामिल किया गया था। इसको बनाने में जो एग्जैक्ट टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
लागत जो इसमें लगी थी वो कितनी थी, लगभग 6.4 करोड़ का लगा था इसमें। भारतीय संविधान के जो जनक माने गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था, इनका जीवन काल जो माना गया है वह है 1891, मतलब कि 1891 से लेकर कि 1956 तक, और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश था। भीमराव जी बचपन में बहुत अभावों में उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया, बहुत सारी असमानताओं का उन्हें सामना करना पड़ा, जैसे जाति को लेकर के, इकोनॉमिकली इश्यूज़ को लेकर के उन्हें अपनी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें हुई। उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रख करके संविधान में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया, जिससे कि जो भी जनजाति है, अनुसूचित जातियाँ हैं, ठीक है, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको पूरी तरीके से लाभ मिल सके और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम देश के विकास की भी बात करते हैं, देश का विकास भी तभी हो सकता है जब हर एक जाति का, हर एक नागरिक का विकास हो, ठीक है। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके इन्होंने कुछ नियम बनाए थे जो कि संविधान में किए गए। प्रस्ताव को संविधान की कुंजी कहा गया है। सबसे पहले प्रस्तावना की अगर हम बात करें, तो प्रस्तावना में एक तरह से सार है संविधान का, कि संविधान का सार है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रस्तावना को पढ़ के समझ सकते हैं कि संविधान है क्या। प्रस्तावना में भारत की 5 विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली है प्रभुत्व संपन्न, सेकंड है आपकी समाजवादी, थर्ड इज पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। ये भारत की 5 विशेषताएं प्रस्तावना में बताई गई हैं। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप देखिए चाहे तो जो भी पॉइंट्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सारे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली संविधान से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूछे ही जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष बनाने से पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, उसके बाद में स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। विश्व में भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का अगर बात करें कि सबसे बड़ा संविधान जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, बट लिखित संविधान की अगर बात करें तो वो किसका है, हमारे भारत का। और सबसे छोटे लिखित संविधान की, सबसे छोटे लिखित संविधान की अगर बात करें तो वो मोनाको का है। इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कुछ नियम बनाए गए, ठीक है। वैसे हमने बात करी थी कि कुछ नियम बनाए गए संविधान के लिए, वैसे ही कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी इसमें वर्णन किया गया है कि सिविल्स के लिए क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो कि हमारे 6 हैं, पहले ही 7 हुआ करते थे, इसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या किया, हटा दिया गया है संशोधन के तहत, वो हम आगे बात करेंगे उस बारे में। तो हमारे मौलिक अधिकार अभी क्या हैं, 6। अगर हम 6 मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम बात कर सकते हैं समता या समानता का अधिकार, सेकंड इज स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फोर्थ अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट इज संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको माना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का 42वां संशोधन, मतलब कि संशोधन मीन्स अमेंडमेंट्स, 42 अमेंडमेंट को माना गया है, या फिर इसको इंदिरा के संविधान के स्वरूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इंदिरा का संविधान और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप बता सकते हैं कि 42 अमेंडमेंट मतलब कि 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा के संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया। देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं 42वां संशोधन, तो 42वां संशोधन क्या है कि संशोधन मीन्स अमेंडमेंट, ये कुछ बदलाव। जब भी हमें लगता है कि कहीं चेंज होना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत है, तो संशोधन किया गया। वैसे ही इसमें किसमें किया गया, संविधान में कुछ संशोधन किए गए ताकि कुछ चीज़ों को सही किया जा सके, ठीक है। तो वही 42वां संशोधन था, इसमें क्या किया, मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन
जो कि 1976 में संशोधित किया गया था, बनाया गया था, इसके द्वारा प्रस्तावना में और क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। देखिए अभी हमने यहाँ पे बात करी कि 42 संशोधन की, जो कि 1976 में था, इसमें हमने कहा था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे नियमों को चेंज किया गया जो उस वक्त ज़रूरत महसूस होने पे हो रहे थे। जैसे कि इसी के तहत भी 44th अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, 7th जो हमने बात करी थी, 7th जो हमारा राइट था संपत्ति का अधिकार, उसको 44th अमेंडमेंट में चेंज किया गया था क्योंकि उसकी ज़रूरत महसूस है कि हाँ इसे हटाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम अधिकारों की यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जीवन और जो व्यक्तिगत समानता का जो अधिकार है उसको छोड़ करके, इन दो अधिकारों को छोड़ करके अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति होती है तो बाकी के सारे अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, 42 से संविधान संशोधन द्वारा ये सारे शब्द जोड़े गए थे जिसमें क्या क्या था, आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का शामिल किए गए थे। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। छुआछूत अस्पृश्यता उस वक्त भारत में बहुत ज़्यादा थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो रंग के आधार पर जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इकोनॉमिकली इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे कि वर्ग विभाजित थे अलग अलग, कि उनको इकोनॉमिकली उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया गया था। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत खत्म कर दिया गया था, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत खत्म किया गया था इस सबको। अनुच्छेद 51 में क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 51 क में, मीन्स 51 सेक्शन ए में। 44 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का 7वां अधिकार था उसको हटा दिया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44 अमेंडमेंट में। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा जो थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो उसका आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। जहां जहां भी संबोधन की जरूरत पड़ी कि भारत में ये वाले अनुच्छेद है, वहां पर भारत या इंडिया कहा गया है हमारे हिंदुस्तान को। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग अलग देशों से बहुत गहराई में अध्ययन करके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे, नियम थे, जिनको भारत के संविधान में क्या किया था, सम्मिलित किया था या उनका उल्लेख किया, उनको जोड़ा उसमें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करी थी, ब्रिटिश संविधान से उन्होंने क्या क्या लिया था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये हमारे देश का है। ठीक है, संविधान में है कि अधिक मत के आधार पर ही सरकार को चुना जाता है, जिसके अधिक मत होंगे वही हमारे देश की सरकार रहेगी, उनका कार्यकाल, उनके सारी शक्तियाँ, उनके नियम जो भी होंगे वो सब उसके अकॉर्डिंग होंगे। वो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका क्या होगी, ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, आयरलैंड संविधान से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। फ्रांस के संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। अमेरिका का संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसको उनका उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों पॉइंट जो है वो लिए हैं अमेरिका के संविधान से। कनाडा का संविधान से क्या लिया है, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से
लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका की संविधान से क्या लिया है कि संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, कि जरूरत पड़ने पर कब कब संशोधन कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता के प्रावधान को लिया गया है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ पढ़ा जाना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, हमने इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा की, तो भारत का जो संविधान है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, मतलब कि जो संसदीय प्रणाली है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो किससे ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से। लेकिन फिर भी ये एक तरीके से अलग है, वो है ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। देखिए, जिस देश में संविधान है वह देश लोकतांत्रिक होगा, या फिर ये कह लो कि जो देश लोकतांत्रिक है, मीन्स डेमोक्रेसी जिस देश में है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो देश डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें, संविधान में क्या होता है कि संविधान में समानता का अधिकार और ये सब चीज़ें अधिकार दिए हुए हैं, तो अगर ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं तो उसमें लोकतंत्र, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में लोकतंत्र का अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है, तो जहाँ संविधान है वहाँ पर लोकतंत्र होगा, ये ज़रूरी नहीं, पर जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सा संविधान अवश्य होगा। तो हमने जो भी जानकारी प्राप्त करी है आज यहाँ पर, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मैं समझूंगी कि आपको शायद अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।